9 दिसंबर को तेलंगाना का बिल असेंबली भेजने का सेंटर मिनिस्टर जयराम रमेश ने किया ऐलान। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयज को 50% तनख्वाहों और हेल्थ कार्ड के जियो में खामियों का अशोक बाबू ने लगाया इल्जाम। फिल्म में अहम रोल देते बोल के एक डायरेक्टर जूनियर आर्टिस्ट को लगाया लाखों रुपये का चुना। अब खबरें तफसील से देखेंगे। पहले थे सो कांग्रेस के सदर नरसैया बोले, ब्रिजेश टर्मिनल के फैसले से किसानों को पानी नहीं मिलता गते। पहले थे सो कांग्रेस के सदर नरसैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कृष्णा नदी पे ब्रिजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल के फैसले से न सीमा आंध्रा और न तेलंगाना के किसानों को पानी मिलता करते। इन्हों बोल रहे, गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अब तो भी सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों को खड़े करके केस में रियासत को पानी मिलना बोल के कोशिशें करें तो अच्छा रहता, नहीं तो किसानों को बहुत मुश्किल होते गते। उपल और नागुल के हाईवे पे एक साथ 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो गई, इससे लोगों को बहुत मुश्किल हुए। आज सुबह सुबह एक लॉरी रोड के बीच में ख़राब हो गई कते और इसको बनाने कोई भी नहीं आए, इसकी वजह से पूरी ट्रैफिक जाम हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाले भी ट्रैफिक हटाने के वास्ते कुछ भी नहीं कर रहे बोल के लोग बहुत औंट लिए। बेंगलुरु के एक एटीएम सेंटर में औरत पे हमला करके भाग गए सो वाले को पुलिस वाले पकड़ लिए। बेंगलुरु के एटीएम में हमला करे थे सो औरत अभी तक बीमार है कते। बाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस वाले हमला करके भाग गए सो वाले को एक एटीएम सेंटर पे कर्नाटक में पकड़ लिए और पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। बास फिल्मों में आखिरी सीन में विलेन को पुलिस पकड़ के ले जाते हुए बताते, वैसी एक तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर को पुलिस पकड़ के ले गई। श्रीजा नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट है, उन्हें मीडिया से बात करते हुए बोली, चांद पाशा नाम का एक तेलुगु फिल्म डायरेक्टर इसको फिल्म में अहम रोल दिलाता हूँ बोल के लाखों रुपये ले लिया। बाद में ना तो इन्हें श्रीजा को फिल्मों में काम दिलाया ना रुपये वापस करा। श्रीजा बोल बोल के थक गई, उल्टा चांद पाशा इसको डराने लगा। परेशान होकर श्रीजा नाचारम पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाई।
नाचरम की पुलिस चांद को पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद करके मालूमात कर रही। సినిమా రిలీజ్ కావద్దు ఎందుకంటే ఎంతమంది మోసం చేస్తాడు ఇట్లా చాలా మంది మోసం చేస్తుంది నన్నే కాదు ఈ లెక్క నుంచి చాలా మందిని నన్ను అపరేషన్ చేయించుకోమని కూడా ఆ మధ్యని ఫోర్స్ చేసింది కానీ నేను చేయించుకోలేదు ఏదో టాబ్లెట్ తీసుకొచ్చింది నేను వేసుకోలేదు ఎందుకు నేను వేసుకోను అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పిల్లలు ఎందుకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు అన్నట్టు చెప్పింది ఆయన పెళ్ళాను ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి पुलिस के डीजीपी प्रसाद राव पुलिस वाले जो कामा करे उससे उनको सुकून मिला बोल के बोल रही और पुलिस वालों के खिदमतों के वास्ते भी उन्होंने उनके बहुत तारीफ करे। डीजीपी बोल रही पुलिस वाले आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुए जब विजयनगर में 3 दिनों तक कर्फ्यू लगाया जब और तूफान आए जब लोगों को जितने सहूलत दे सकते थे दिए कते और रियासत में थोड़े थोड़े दिनों को गड़बड़ियाँ हो रही तो भी इन लोग बहुत अच्छे तरीके से अमन रहना बोल के काम कर रहे कते। हसन नगर के इलाके बाबा नगर में MIM यूथ कमेटी वाले हबीब जैन आरिफ की सदारत में फ्री मेडिकल कैंप लगाए। ये कैंप में फ्री में दवाएं बांटे, फ्री चेकअप भी करे। हर मरीज का इलाज करते सोखानगी दवाखाने के डॉक्टर आए यहाँ पे आके चेकअप करे। ये मौके पे हबीब जैन आरिफ, मोहम्मद समद, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद अनवर खान, जहांगीर भाई, मोहम्मद इब्राहिम खान और दूसरे बहुत से लोग भी आए थे। इधर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, फीस मुल्के डॉक्टर संपत कुमार साहब और जो है कि मैडम और कई डॉक्टर आए हैं यहाँ गरीबों के लिए और कोई ऐसे ही बीमार है लाचार आदमियों के लिए यहाँ बहुत अच्छा मेडिकल कैंप लगाया गया है। हर महीना यहाँ पर ऐसी कोशिश करके यहाँ बाबा नगर में बाबा नगर के पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, सबके लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ऐसे ही मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसा ही कैंपस और दूसरे दूसरे भी लगा करके बाबा नगर को थोड़ा सा हम और डेवलप करना चाह रहे हैं, इसलिए बाबा नगर के पूरी पब्लिक से गुजारिश ये है कि ये यूथ कमेटी को सब जने थोड़ा बढ़ावा दे करके साथ लेके चलने से और कुछ मसाइल भी रहे तो ये मसाइल हल करने के लिए बाबा नगर यूथ कमेटी बनी है। ये बाबा नगर यूथ कमेटी के प्रेसिडेंट के नाते के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग हमारे यहाँ कोऑपरेट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मेडिकल कैंप और भी लगाए जाएंगे और गरीब लोगों के लिए, यतीम लोगों के लिए। कांग्रेस के MP प्रभाकर बोले तेलुगु देशम और YSR पार्टी तेलुगु आवाम को रियासत के दो टुकड़े के मसले पे हौला बनाने की कोशिश कर रही। कांग्रेस तेलंगाना के MP पूनम प्रभाकर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी रियासत को दो टुकड़े करने के बारे में तेलुगु आवाम को हौला बनाने की कोशिश कर रहे कते और ये पार्टी के लीडरों को अच्छे से मालूम है रियासत के दो टुकड़े कैसा भी होते इसके बाद भी ये लोग आते सो इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के वास्ते ड्रामेबाजियाँ कर रही, एहतजाजा और गड़बड़ियाँ कर रही और तेलंगाना के लोगों के खिलाफ ऐसे वैसे बातें कर रही। రెండు సార్లు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెడితే 17 శాసనసభ్యులు సీమాంధ్ర వాళ్ళు పార్టీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఈ ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంది తెలంగాణ మంత్రులు, తెలంగాణ శాసనసభ్యులు అనే విషయాన్ని ఈనాడు అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి మరవద్దు అనే మాటని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, ఈరోజు మా మంత్రులు, మా శాసనసభ్యుల బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిని నిలదీసి 2 సార్లు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పటికి కూడా తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల ఈ ముఖ్యమంత్రికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం జరిగిన నాడు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని నీకు అండగా పార్టీ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ఉన్నారు. ఈరోజు అడగండి, అవిశ్వాస తీర్మానం లోపల మేము అండగా ఉన్నప్పుడు మాకు ఇచ్చేటువంటి పార్టీ క్రమశిక్షణ కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేటువంటి బహుమానం శాసనసభ రద్దుపరచడమా, లేదా రాజీనామా చేయడమా, లేదా తెలంగాణ బిల్లును కేంద్ర కేబినెట్ 2 సార్లు ఆమోదించి పంపిన తర్వాత వ్యతిరేకంగా పంపడం అనేటువంటిది మన తెలుగు ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి ఏమని రూపంలో కూడా చాటి చెప్తున్నాం అనేటువంటి మాటను అడగమని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలుగు ఆత్మగౌరవం గురించి తెలంగాణ NGOs లీడర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ బోలే ఆంధ్రప్రదేశ్ మే తెలంగాణకు మిలానే కే బాద్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ కో అబ్ తక్ జితే నుక్సానా హువే ఇస్కో దూర్ కర్నా కతే।
తెలంగాణ ఎన్జీఓ లీడర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ చీఫ్ సెక్రటరీ పీకే మొహంతి సే మిల్నే కే బాద్ మీడియా వాళ్ళ సే బాతం కర్తే హే బోల్ రహే ఇన్నో చీఫ్ సెక్రటరీ కు బోలే కతే ఆంధ్రా మే తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ కు మిలానే కే బాద్ తెలంగాణ కే ములాజిమో కు జితే భీ నుక్సానా హువే ఇస్కో దూర్ కర్ దేనా కతే ఔర్ ఇన్నో యే భీ బోలే కతే రియాసత్ కే దో టుకడే హోనే కే బాద్ తెలంగాణ కే వర్కరో కు 45% తన్ఖ్వాయా బడా కే దేనా ఔర్ జియో 610 కే బాద్ ఫౌరీ దూసరే లోగో కా ట్రాన్స్ఫర్ కర్ దేతే కతే ఇన్నో సెంటర్ కాబీనా మే తెలంగాణ బిల్ కి మంజూరీ హో గయి బోల్ కే తెలంగాణ కే ఎంప్లాయీస్ కు ముబారక్బాద్ భీ దియే 37,720 నుంచి 96,750 అధికారులు చాలా వరకు కూడా సెకండ్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ ఉన్నటువంటి అధికారులు కూడా ఇలాంటి సౌకర్యాలు లేవు. ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ గస్టెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఐఏఎస్ అధికారులతో సమానంగా అన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము అడిగాం. కార్ ఫెసిలిటీ కానీ, అటెండర్ ఫెసిలిటీ కానీ, హౌసింగ్ లోన్ కానీ, క్వార్టర్స్ కానీ, ఇంకా ఇతరత్ర. సెంటర్ మినిస్టర్ జయరామ్ రమేష్ బోలే తెలంగాణ బిల్ 9 డిసెంబర్ కు అసెంబ్లీ కు భేజ్ దియే గతే. సెంటర్ కే మినిస్టర్ జయరామ్ రమేష్ మీడియా వాళ్ళ సే బాతం కర్తే హే బోలే తెలంగాణ బిల్ 9 డిసెంబర్ కు రియాసత్ కి అసెంబ్లీ కు భేజ్ దేతే కతే. ఇన్నో బోల్ రహి అబ్ యే బిల్ ప్రెసిడెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ కే పాస్ హే కతే. ఇన్నో ఇస్కు పీర్ కే దిన్ అసెంబ్లీ కు భేజ్ దింగే. జయరామ్ రమేష్ ఏ బీ బోల్ రహి సీమా ఆంధ్రా వాళ్ళ కు ఖాస్ ప్యాకేజ్ దేతే మగర్ ఇన్ లోగా జో గడబడియాం కర్ రహి వో గడబడియాం బంద్ కర్ దేనా కతే. ఔర్ యే భీ సున్నే మే ఆయా 9 డిసెంబర్ కు తెలంగాణ బిల్ అసెంబ్లీ కు ఆ గయా తో 12 డిసెంబర్ సే అసెంబ్లీ సెషన్ మే సీమా ఆంధ్రా ఔర్ తెలంగాణ కే ఎంఎల్ఏ యే బిల్ కే ఉపర్ బాతాం కర్ సక్తే. APNGOS లీడర్ అశోక్ బాబు ఔర్ దూసరే లీడర్ చీఫ్ సెక్రటరీ పీకే మొహంతి సే మిలే 50% సహూలతం దియో బోల్ కే బోల్ రహే. APNGOS కే లీడర్ అశోక్ బాబు ఔర్ దూసరే లీడర్ సెక్రటేరియట్ మే చీఫ్ సెక్రటరీ పీకే మొహంతి సే మిలనే కే బాద్ మీడియా వాళ్ళ సే బాతం కర్తే హే బోలే ఇన్నో చీఫ్ సెక్రటరీ కు బోలే కతే ఆంధ్రా ప్రదేశ్ కే ఎంప్లాయీస్ కు 50% తన్ఖ్వాహ మే సహూలతం దేనా కతే ఔర్ హెల్త్ కార్డ్ కే వాస్తే జో జియో నికాలే ఇస్మే జో భీ ఖామియా హై బురాయా హై ఇస్కో దూర్ కర్నా కతే. అలాగే ఐఆర్ని 1/7/2013 నుంచి క్యాష్గా ఇవ్వాలన్న తప్ప గతంలో లాగా మరి జీపే ఇచ్చినందువలన ఉద్యోగస్తుకి పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు. కాబట్టి మీరు ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలను విడివిడిగా కాకుండా, ఎందుకంటే ఐఆర్ అనేది పెన్షనర్స్కి ఉద్యోగ సంఘాలకి కేడర్తో సంబంధం లేకుండా అందరికీ వచ్చే విషయం కాబట్టి అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు ఇవాళ ఏదైతే ఇవాళ ఉద్యోగ సంఘాలు పిలిచారో వా. पहले थे सो जेसी दिवाकर रेड्डी बोले रियासत के दो टुकड़े हो गए अब इसको अखंड कोई भी नहीं कर सकता. पहले थे सो वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी मीडिया वालों से बोले रियासत के दो टुकड़े हो गए अब रियासत को अखंड रियासत कोई भी नहीं रख सकते. इसके वास्ते सीमा आंध्रा के लीडर भी उनके जैसा खुशी खुशी रियासत के दो टुकड़े करने का हाईकमान का फैसला मान लेना कहते. इन्हों बोल रहे हैं तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस चुपके सीमा आंध्रा के लोगों को हौला बनाने की कोशिश कर रहे कहते. హై కమాన్ కే ఫైసలే కు రోక్నే కి కిస్మే భీ తాఖత్ నీ హై బల్కే జేసి దివాకర్ రెడ్డి బోల్ రహే. ఎక్కడైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యారేజ్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఖచ్చితంగా 100కి 100 రూపాయలు తెలంగాణ మిగతాది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఊరికి మేము ప్రజల ఎదుటకుపోవడానికి మాకు మార్గ. పంజాబ్ కే సర్భానగర్ ఇలాఖే మే హఫ్తే కే దిన్ బ్యూటీ పార్లర్ మే ఐవీ లడ్కియోం పే ఏక్ జనా తేజాబ్ డాల్ దియా. తేజాబ్ కి వజహ సే 4 జవాన్ బచ్చియాం బహుత్ బురా జఖ్మీ హో గయే. ये 4 बच्चियों में से 2 की हफ्ते को शादी होने वाली थी कते. शादी से पहले बनने संवरने के वास्ते वो दोनों ब्यूटी पार्लर आए थे. एक नौजवान एक लड़की पे तेज़ाब फेंका जिससे वो बच्ची और 3 और बच्चियां जख्मी होकर तड़पने लग गए. पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं. संजय दत्त की दरख्वास्त को अदालत मंजूर कर ली. संजय दत्त को 30 दिनों के वास्ते पेरोल पे जेल से छोड़ दिए. ये मालूम नहीं हुआ इन्हों पेरोल के वास्ते वजह क्या बताए थे. पेरोल पे अदालत का ऑर्डर अभी सामने भी नहीं आया. इससे पहले संजय दत्त को अक्टूबर के महीने में सेहत अच्छी नहीं है बोल के 14 दिनों के वास्ते छोड़े थे. बाद में 1 महीने तक ये मुद्दत बढ़ा दिए थे. संजय दत्त को 1993 में गैर कानूनी तौर पे हथियार रखने पे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए थे. तेलंगाना कांग्रेस MP राजैया बोले रियासत के दो टुकड़े हो गए अब सीमा आंध्रा के लोग फैसला करे वो किसकी तरफ है कते. तेलंगाना कांग्रेस के MP राजैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 30 जुलाई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाले रियासत के दो टुकड़े करने का फैसला करे और 5 दिसंबर को सेंटर के काबीना में रियासत के दो टुकड़े करने का फैसला हो गया. अब सीमा आंध्रा के लोग फैसला कर लेना कि वो लोग किसकी तरफ है और एक फैमिली के लोग जैसा अलग हो जाते वैसे ही अलग होने की तैयारियां कर लेना कहते.
सेंटर के टूरिज्म के मिनिस्टर के चिरंजीवी तेलंगाना अलग हो जा रहा बोल के गुस्से में इन्हों अपना इस्तीफा भेज दिया। चिरंजीवी अपना इस्तीफा कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी को भेज के इनसे ख्वाहिश करे इनका इस्तीफा मंजूर कर लो। इन्हों ये बोल रहे आंध्र प्रदेश को टुकड़े करते बोले तो इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जा रहा। सेंटर के वजीर रहमान खान को उनके सियासी और कौमी खिदमतों के बदले में ये साल मौलाना मोहम्मद अली जौहर अवार्ड मिल रहा। ये ऐलान मौलाना मोहम्मद अली जौहर एकेडमी की तरफ से हुआ। एकेडमी की तरफ से सिल्वर जुबली अवार्ड्स के मौके पर रहमान खान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सालगिरह के दिन 10 दिसंबर को सुबह के 10 बजे ये अवार्ड कल्चरल सेंटर में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्ला के रहते हुए देंगे। सदारत एजाज सिद्दीकी करेंगे कते। एमआईएम की तरफ से मलकपेट के इलाके महबूबगंज में एमएलए अहमद बलाला फ्री मेडिकल कैंप और हेल्थ कैंप का इफ्तिताह करें। ये कैंप में प्राइवेट दवाखाने के डॉक्टर मरीजों को चेकअप करें और एमएलए अहमद बलाला मरीजों को फ्री दवाएं और फलां तकसीम करें। ये मौके पे मलकपेट के मजलिस के कारपोरेटर एस ए हक नज़ीर और मजलिस के दूसरे कारकुना सैयद अली मोहम्मद शफीउद्दीन और दूसरे भी थे। ये कैंप से बहुत से लोग फ़ायदा उठाए और ये कैंप में बहुत लोग भी आए थे कते। दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन का रिजल्ट 8 दिसंबर को और मिजोरम असेंबली के इलेक्शन का नतीजा 9 दिसंबर को निकलेगा। पांच रियासतों में हुए सो इलेक्शन में दिल्ली में 65% वोटिंग हुई थी, मिजोरम और राजस्थान में 81% और 74%, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 70% से ज़्यादा वोटा पड़े थे। एग्जिट पोल के हिसाब से दिल्ली में कोई भी पार्टी अक्सरियत से कामयाब नहीं होंगी कते। इस वास्ते सियासी पार्टियां सरकार बनाने के वास्ते उतावले होके भागम भाग कर रही। एमआईएम एमएलए अहमद बलाला मरीजों में मेवे बांटे, इनके साथ मंजलिस से सरगर्म कारकुन मोहम्मद शफीउद्दीन, कारपोरेटर हक नजीर, सैयद अलीम और दूसरे मौजूद थे। इन लोग 400 मरीजों में मेवे बांटे करते। तेलंगाना एमपी एमएलए और दूसरे लीडर ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी के फोटोज का तेलंगाना रियासत की खुशी में एक पोस्टर निकाले गए। पांच दिसंबर को तेलंगाना बिल काबीना में मंजूर होने के बाद आगे क्या होगा इसके बारे में रियल और रूबी चैनल के नुमाइंदे अंजुम मोहम्मद खासिम ने टीएनजीओ के सिटी प्रेसिडेंट एस एम हुसैनी उर्फ मुजीब से जो बातें करें वो पेश है। ये एक बार हम हमारे साथियों को सीमांध्रा वालों को इससे पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि ये महज एक फॉर्मेलिटी है। ये एक जो अपने बिल यहाँ पर पास होने से वो यहाँ पर उसके बारे में बातचीत होगी, उसके बाद जो हजरात हमारे तेलंगाना के हक में बात करने वाले बात करेंगे, जो इसके खिलाफ बात करने वाले बात करेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी है, अगर क्योंकि सीमांध्रा के कायदीन हमारे से ज़्यादा है, हमारे से एक हिस्सा ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बिल यहाँ पर असेंबली में खुदा ना खासा ये हम लोग बिल हार भी गए या बिल को डिफीट भी कर दिया गया तो इसका कोई ख़ास मायने नहीं है कानून के नज़र में। ये पार्लियामेंट में जाएगी, बाबा पार्लियामेंट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये बात दी है तेलंगाना आवाम को, अगर 10 डिस्ट्रिक्टों के साथ तेलंगाना को दे रहे हैं तो हमारी मदद रहेंगी बोलते इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो बहुत बड़े मेजारिटी से ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए। सर ये बात भी सामने आ रही है कि रियासत के बंटवारे पर सख्त रद्दोमल करने का इशारा दे रहे हैं, उस पर आपका क्या रद्दोमल है? अब देखिए सरकार अगर तेलंगाना देते हुए अगर उनके ये सख्ती का या उनके रवैये में अगर कोई बदलाव है तो तेलंगाना के आवाम को, तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमिन को या तेलंगाना के हर बच्चे से लेके बूढ़े तक हम हर हमारी लड़ाई लड़के हासिल किए हैं। बादाम का लाठी के मारा भी खाए, जानों की कुर्बानी भी दिए, गोलियां भी खाए, तो बहरहाल ये हमारे वास्ते कोई नई बात नहीं है। और जैसा हमारा उनका जैसा रवैया रहेगा हमारा जवाब भी वैसे रहेंगे। अगर उन्होंने हमारे से सही है तो हम उनके साथ सही है, नहीं तो जैसा तेलंगाना हासिल करके कल जरूरत पड़ी तो और कोई चीज़ की भी अगर हासिल करने की ज़रूरत है तो और एक नई जंग का भी ऐलान करेंगे। बाज़ाब्ता तमाम तेलंगाना की रियाएँ और तेलंगाना सरकारी मुलाजिमिन मिलकर जेएसी के जानेब से और एक लड़ाई लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार है, पीछे जाने वाले नहीं हैं। क्या तेलंगाना के आवाम को अपने हाथ का इंतज़ार करना पड़ेगा या वाकई इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है?
हम सबको यही दुआ कर रहे हैं कि आप लोगों के तवसु से भी हम यही हमारे आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि तेलंगाना का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। अगर आने वाले दिनें फिर तेलंगाना के आवाम के हैं, जो तेलंगाना में जो स्टेट ऑफ हैदराबाद में जो निज़ाम साहब के दौर में जो खुशहाली थी, जो खुशामली थी, वैसा पाक साफ तेलंगाना हम लोग चाह रहे हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह वैसी तेलंगाना हम लोग बहुत जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। तो कोई और एक बात सोचना नहीं है इसका। तेलंगाना के क़याम के बाद क्या टीआरएस पार्टी किसी जमात के साथ अलायंस की बात भी की है? तेलंगाना के सदर जनाब केसीआर साहब पहले से ये बात कहते आ रहे हैं, अगर आप लोग तेलंगाना देंगे, लेकिन तेलंगाना में कोई रुकावट नहीं रहना, उनका ये डिमांड है कि तेलंगाना देते हुए आप 10 डिस्ट्रिक्टों का तेलंगाना देने का मतलब बताओ, और वो हिसाब से तेलंगाना दे भी दी। मगर आज एक नया उसमें मसला जो ठहरा रहे हैं, जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमारा ख्याल है करीब 90 से 100 किलोमीटर की बात हुई या 80 किलोमीटर की बात है, जिसमें गवर्नर साहब का राज रहेगा। तो ये फिर से एक आंध्रा वालों की, रायलसीमा वालों की एक चाल है कि गवर्नर के खाने पे बंदूक रख के तेलंगाना के आवाम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तमाम तेलंगाना की आवाम सख्त से सख्त इसके हम लोग मुकाबला कर चुके हैं, और ऐसे बातों को हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हमारा ये मतलब था कि फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी तक इसको आप रखिए, क्योंकि ये क्यों हम बोले फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ सरकारी मुलाजिमीन के दफ्तर हैं, आंध्रा वालों की जायदादें हैं, बस ये हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंट के इर्द गिर्द है। तो हमारा भी ये डिमांड था भाई, आपके मुलाजिमीन को तेलंगाना की अगर आप तारीफ देखेंगे तो एक भी ऐसा वाक्य आपको नहीं दिखेगा जहाँ पर कोई गैर तेलंगाना के सरकारी मुलाजिम को या उनको कोई धक्का दिए या कोई उनको सताया गया, बल्कि ये हमारा हक है जो 56 साल से ये लड़ाई, भूख की लड़ाई, प्यास की लड़ाई, बिजली की लड़ाई लड़ते हुए आए, कुर्बानियाँ दिए, हर तरह का नुकसान हम लोग नुकसान हुआ उसके बावजूद में भी, बच्चे मरने के बावजूद में भी, आज तक भी हम ये बोल रहे हैं भाई जो सरकारी मुलाजिमत हमारी चुरा ली गई है, करीब 2,40,000 सरकारी मुलाजिमीन ऐसे हैं जो पीछे के दरवाजे से आए। हमारा मुतालबा ये है, तेलंगाना NGOs का मुतालबा ये है कि ऐसे सरकारी मुलाजिमीन को आप वापस भेजिए। आप हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में जो इससे पहले जो स्टेट्स बने हैं उसके हिसाब से रखिए, जैसा समझिए एक सरकारी मुलाजिम है, उनके शरीक अयाल भी यहाँ पर सरकारी मुलाजिम है, तो उनको अगर कैंसर होता है या उनके वालदा को कैंसर होता है तो वो खानून में गुजाइश है तो वो यहाँ रह सकते, या फिर एक कोई ऐसा स्पेशल केस है जिनको यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, जो कानून जिसकी इजाज़त देता, वैसे अगर केसेस है तो भी हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिमत आप पीछे के रास्ते से लिए, जो तेलंगाना के बच्चों का हक था वो हक लेके फिर भी आज आप हम यहाँ से नहीं जाते, ये जो बात है ये बात के हम लोग खिलाफ़ है, वरना हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी मुलाजिमत हमारे को चाहिए, हमारी लड़ाई का मकसद वो है कि भाई हमारा नौजवान तबका, हमारे बच्चे जो तेलंगाना के बच्चे जो बिछड़े हुए बच्चे हैं, आज हैदराबाद में देखो आप भूख की जो आलम है, आज तेलंगाना के अगर आप महबूब नगर में जाएंगे तो 90% तेलंगाना की आवाम आज घर को कुंपल डाल के बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ऐसा तेलंगाना हमारे को जरूरत नहीं है। हमारा तेलंगाना बिल्कुल पाक साफ होना है, हमारे तेलंगाना में हमारे बच्चों को नौकरी मिलना है, तेलंगाना में कम से कम 3 वक्त की रोटी कपड़ा और मकान जो तेलंगाना में मिल सकता हम वो तेलंगाना चाह रहे हैं, और अल्लाह चाहे तो वैसा तेलंगाना हम लोग हासिल कर लेंगे, क्योंकि तेलंगाना में कोई चीज़ की भी कमी नहीं है। यहाँ पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है, जंगलात की कमी नहीं है, बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, वो चीज़ों से हम हमारे तेलंगाना को आगे ले जाएंगे। और हम ये भी चाह रहे हैं कि आंध्रा भी हमारे साथ आगे बढ़ना है, ऐसी बात नहीं है खाली तेलंगाना के हद तक ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ों रुपये जो बिजनेस के तौर पर यहाँ पर लगाए और यहाँ से 10 से ज़्यादा कमा लिए, मगर आज भी उनकी नीयत ये नहीं है। उनकी नीयत देखिए, आप महबूब नगर की बात नहीं करते, वो लोग वरंगल की बात नहीं करते, हमारे आदिलाबाद की बात नहीं करते, हैदराबाद में हर चीज़ उनकी गड़े हुई है, हैदराबाद होना है। हमारे सरफेखा ज़मीनें चले गई आज अतरापल्ली अंदरूनी बल्दिया में, करीब 60,000 एकड़ ज़मीनें चले गई, हमारी मुलाजिमत चले गई, हमारी जो पहचान थी वो पहचान चले गई, आज हम बिल्कुल रोड पे हो गए, जो जायदाद थे वो मकानदार थे हम वो भी चले गए, आज किराएदार हो गए, और किराएदार की हैसियत से कम से कम किराए देने के भी काबिल नहीं रहे। तो ये लूटम लाठी जो हुई है 56 साल में, वो लूटम लाठी को ख़त्म करना है, हर घर से एक नौकरी मिलना है, या हर घर से सरकार एक ऐसा
कारखाना लगवाना है जिसमें हर घर से पुराने शहर से लेके आदिलाबाद तक हमारे बच्चों को मुलाजिमत मिलना है। तो ऐसा तेलंगाना अगर होगा तो आने वाली नस्लें भी ये तेलंगाना को याद करेंगे। हम वैसे तेलंगाना के लिए सरकारी मुलाजिमत हम सब मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ने पर सरकारी मुलाजिम दो चार घंटे ज़्यादा भी काम करेंगे, इतवार को भी काम करेंगे, मगर हमारे तेलंगाना को ये हिंदुस्तान में एक बेहतरीन शहर बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर आदमी फख्र से ये कह सके भाई मैं सरजमीन मेरी तेलंगाना है, मैं ये तेलंगाना का हूँ, ये हमारा सोच है। तश्कील तेलंगाना के बाद मुसलमानों के साथ टीआरएस पार्टी का रवैया क्या होगा? बराबर बेहतर रवैया होगा मुसलमानों के साथ, खुसूसी और जो जमातें बिछड़े हुई है जैसे एससी है, एसटी है, बीसी है, ये तमाम लोगों को इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति एक ऐसी जमात है जो हर यहाँ की भूख को देखे हुई जमात है। और मैं मेरा पर्सनल मेरा ये स्टैंड है कि हर आदमी को साथ लेकर चलने की वो लोग भी कोशिश करेंगे, नहीं तो सियासी पिक्चर या सीन चेंज होने में ज़्यादा देरी नहीं लगती। इससे पहले भी जो हुक्मरान थे जो मायनारिटीज को सताने की कोशिश करे, जो बेहरमती करने की कोशिश करे, तो आज तारीख गवाह है उनकी जगह कहाँ पर है। तो ये भी सरकार के वही चाल आलम होगा। इसीलिए हर आदमी को तेलंगाना पे जो पैदावार का हर आदमी का अपना हक मिलना, यहाँ पर साफ सुथरी गवर्नमेंट रहना जिसमें सब मिलजुल कर काम करेंगे, सब मिलजुल कर ये स्टेट को आगे ले जाएंगे। तो हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि हमारा तेलंगाना साफ सुथरा हो। सर आपके समाचार सीमांध्रा में जारी एहतजाज पर आपका क्या रखना है? सीमांध्रा में अगर सच पूछा गया तो सच कहा गया तो ये बात है कि सीमांध्रा के जो आवाम है पिछले 55 साल से सब अपने अपने घर में बैठे रहे, कोई जदोजहद नहीं थी वहाँ पर। लेकिन हमारी तेलंगाना की जो है, देखिए अब सिटी कॉलेज इसका एक गवाह है, जो 1952 में मुल्की जो हमारे बच्चे शहीद हुए थे साथ वहाँ से सिटी कॉलेज के तारीख से आज तक हम लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं तेलंगाना के वास्ते। मगर सीमांध्रा में ये तारीख नहीं है। सीमांध्रा में महज वहाँ के पब्लिक ये नहीं चाह रही कि तेलंगाना नहीं बनना या हैदराबाद होना है, वहाँ के सीमांध्रा के आवाम को क्या चाहिए, उनका राशन कार्ड होना है, उनका वोटर्स आइडेंटी कार्ड होना है, पासपोर्ट होना है, उनके हॉस्पिटल होना है, ऐसे चीज़ वो लोग चाह रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ को वो लोग तो हैदराबाद को आने से रहे, ये चंद लोग जो सियासी मसले है, जो सियासत में है, जो हज़ारों करोड़ों में जिनका यहाँ पर धंधा चल रहा है, वैसे लोगों का वो एहतजाज के तरफ फिर से आर्टिफिशियल एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। और आप अभी देख चुके हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से 50-100 लोग रोड पे आ रहे हैं, ये क्या है, पैसे देकर लेके आया जा रहा है। और क्योंकि हमारे वजीर आला चीफ मिनिस्टर साहब किरण कुमार रेड्डी साहब को था जे एस सी के चेयरमैन के हैसियत से उनका काम कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे अगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसती है, आंसू गैस छोड़ा जाता है, शूट कर देते हैं, कम से कम औरत बच्चियों को भी नहीं देखते हैं जो, और शादी के काबिल बच्चे हैं वही से बच्चियों के साथ बेहरमती करते हैं पुलिस वाले, कोई केस नहीं बनता। हमारे बच्चों को अंदर दिया डाल दिया जाता, चेतु सुधाकर साहब के ऊपर केस लगवा दिए, तेलंगाना एनजीओ के ऊपर सैकड़ों केस लगवा दिए, मगर आज आंध्रा में सरकार का, रियासत सरकार का और हमारे स्टेट सरकार का भी हज़ारों करोड़ में नुकसान हो रहा है, मगर कोई पकड़ा लेने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत उनकी है, चीफ मिनिस्टर उनका है। मगर क्योंकि अब तेलंगाना का ऐलान हो गया, कल 11 या 12 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब भी किसी भी हालत में उनको भी हटने का है, तो हमारी हुकूमत होगी, मरकज से भी ये आर्डर साहब है कि आप स्पेशल फोर्स की वहाँ पर है। तो बहरहाल जो भी अगर रोड पे आने की कोशिश करेगा, एहतजाज करने की कोशिश करेगा, तो उसका वो उन्हें मालिका लिहाजा इससे हमारी कोई सरोकार नहीं है, ना उसकी कोई फिक्र है। सीएम किरण कुमार रेड्डी जिला कृष्णा को आने से पहले पुली चिंतला में आंध्रा की ताइद में उनके हामिया बहुत हंगामा करे। अखंड आंध्रा होना बोल रहे सो वाले पुली चिंतला प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम को रुकने के वास्ते आए और नारे लगाए। इन लोग बहुत गड़बड़ियां करने लग गए, मगर पुलिस वाले जब का जब बीच इन लोगों को पकड़ के पुलिस स्टेशन को भेजा दिए। जिला प्रकाशम में सीमा आंध्रा बंद के दूसरे दिन टीडीपी के कारकुना रास्ता रोको प्रोग्राम करे और मरकजी काबीना वाले करे सो फैसले पे बहुत एतराज करे। तेलुगु देशम के कारकुना गुस्से में आरटीसी बसों के सामने धरना दिए और यूपीए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इन लोग तेलंगाना बना रहे सो काम को रोक दो बोल के भी डिमांड करें।
इंडिया की क्रिकेट टीम इंडिया में हुए 100 मैचों में तो धूम मचाई, मगर साउथ अफ्रीका में जाके पहले मैच में बुरी तरह हार गई। अब तो इतवार को हो रहे 100 दूसरे मैच में करो नहीं तो मरो बोल के पोजीशन में है। एक साथ 6 वनडे सीरीज जीत के धूम धड़ाके के साथ जुनूबी अफ्रीका को जाके इंडिया की टीम पहले वनडे में 10-20 रनों से नहीं पूरे 141 रनों से हार गई। 3 मैचों की सीरीज में पहला मैच हारने के बाद दूसरा मैच जीतना इंडिया के वास्ते ज़रूरी है। नहीं जीती तो फिर तीसरा जीतना नहीं जीतना बराबर ही है। कई को बोले तो सीरीज तो साउथ अफ्रीका की टीम जीत लेती, इस वास्ते जीत से कम कुछ भी नहीं इंडिया के वास्ते बेकार है। नेल्सन मंडेला मर गए बोल के खेल कैंसिल होता होगा बोल के लोग समझ रहे थे, मगर हुकूमत खेलने की इजाज़त दे दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखिए। नौ दिसंबर को तेलंगाना का बिल असेंबली भेजने का सेंटर मिनिस्टर जयराम रमेश ने किया ऐलान। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयज को 50% तनख्वाहों और हेल्थ कार्ड के जियो में खामियों का अशोक बाबू ने लगाया इल्जाम। फिल्म में अहम रोल देते बोल के एक डायरेक्टर जूनियर आर्टिस्ट को लगाया लाखों रुपये का चुना। खबरों के साथ ही मैं फरजाना आप सबसे विदा लेती हूं।